बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं बोया बाय M1 प्रोफेशनल कॉलर माइक्रोफोन का, जो कि हमने दराज एप्लीकेशन से मंगवाए हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये मुझे तकरीबन 1484 रुपये में मेरे घर तक पहुँचे हैं, जो कि मैंने गुजरात में मंगवाए हैं। तो चलिए उनकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद इनका रिव्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम सबसे पहले इसका जो ये है शॉपर, इसको काट लेते हैं और हमें यहाँ से मिलते हैं हमारे हेडफोन, जो कि बाय M1 बोया कंपनी के हैं। इसको हम फेंक देते हैं और ये हमारे पास हेडफोन मौजूद हैं। जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले इनका कंपनी का नाम ऊपर लिखा गया है, उसके बाद ये इनका जो है अपना कंपनी की तरफ से जो ओरिजिनल का ऑप्शन होता है, इसका मोनोग्राम वाला स्टिकर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके पीछे इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो लिखी गई हैं। और चलिए हम इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। ये DSLR के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है और फ़ोन के साथ भी, मोबाइल फ़ोन के साथ। जी, तो हम सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। जी, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मिलते हैं हेडफोन्स, जो कि एक पाउच में पैक हैं। हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका थोड़ा सा मैनुअल है, जिसके मुताबिक इसमें जो क्वालिटीज़ हैं और इसको इस्तेमाल कर तरीका लिखा गया है। उसके बाद इसके साथ एक वारंटी कार्ड है, उसको भी हम साइड पे रख देते हैं। ये इसके साथ एक पैकेट है, इसमें इसका एक अदद सेल है माइक्रोफोन का, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो प्लग है, ये आप इसको डायरेक्टली एम्पलीफायर के साथ या साउंड सिस्टम के साथ लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट करके। और उसके बाद ये आप कॉलर के साथ इसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम उसके बाद पाउच से हेडफोन को निकालते हैं और देखते हैं। पाउच जो है तकरीबन लेदर का बना हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, माइक्रोफोन को अच्छे से सेव करेगा। ये ऊपर इनका मोनोग्राम भी बना हुआ है, कंपनी का नाम भी लिखा गया है। इसको भी साइड पे काट देते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद है माइक्रोफोन, आप देख सकते हैं। ये इसकी तकरीबन 5 मीटर वायर है, आप इसको लॉन्ग रेंज तक यूज़ कर सकते हैं, अपने कॉलर के साथ लगा के, अपने मोबाइल फ़ोन के साथ या अपने DSLR कैमरे के साथ। और हम सबसे पहले इसका सेल निकाल लेते हैं। जी, तो हमारे पास सेल है, आपने इसको यहाँ से खोल लेना है। खोलना इसको नहायत ही आसान है, ये खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसके सेल डालने की जगह बनी हुई है। हम इसका सेल इसके अंदर डाल देते हैं। इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है और प्राइस भी मुझे अच्छी रेंज में मिल गया है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी अच्छे यूट्यूब पे लोग काम करते हैं या वैसे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी आपको जैसे बताया, इस प्लग के साथ आप इसको साउंड सिस्टम के साथ भी लगा सकते हैं और एम्पलीफायर के साथ भी लगा सकते हैं। तो आप इसकी वायर देख सकते हैं, काफ़ी लंबी वायर है। हम इसको खोल लेते हैं और इसको चेक भी करते हैं कि आया ये काम करता है कि नहीं करता। काफ़ी लंबी वायर है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से मदद करेगी, आप दूर से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। जो हम कॉलर के साथ क्लिप है, इसको लगा सकते हैं। आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं इसके साथ, ये आप इसको लगा लें, ये कॉलर के साथ आसानी से लग जाएगा, काफ़ी अच्छा साउंड रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद अगर आप इसको किसी स्पीकर के साथ या एम्पलीफायर के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं या साउंड सिस्टम के साथ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आसानी से यही तरीका है कि इस प्लग को इसके अंदर फिट कर दें और इसको अपने साउंड सिस्टम के साथ लगा दें। और अगर आप मोबाइल फ़ोन या अपने DSLR कैमरा के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये वैसे ही इस्तेमाल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी लंबी वायर है। और उसके बाद ये जो इसका मेन बटन है, इसमें दो चीज़ें हैं।
इसमें एक कैमरे का बटन है, अगर आप इसको ऊपर कर देते हैं इस बटन को तो ये अगर आप कैमरे के साथ लगाना चाहते हैं तो ये उस पर काम करेगा, अगर आप इसको नीचे कर देते हैं तो ये आपके स्मार्टफोन के साथ जैसा कि इसके ऊपर भी लिखा गया है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जी तो दोस्तों हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि ये आया रिकॉर्ड करता है अच्छे से कि नहीं करता। जी तो मेरे पास ये मेरा मोबाइल है, हम इसके साथ इसको लगा देते हैं, ये हो चुका है इसके साथ कनेक्ट, तो हम इस पे साउंड को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी तो मैं साउंड रिकॉर्ड करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो ये मैंने साउंड रिकॉर्ड किया है इसका, इसको मैंने सेव कर लिया है, अब ये आपको मैं सुनाता हूँ। जी दोस्तों इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ये साउंड को रिकॉर्ड करता है। उम्मीद करता हूँ कि अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।